गाइस फाइनली एमएचटी सीईटी की ओर से एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आप सबके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट रिलीज़ हो चुकी है। एमएचटी सीईटी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है फॉर दी 2023 बैच। सो गाइस ये वेबसाइट पे आपका सभी कैप पोर्टल चलने वाला है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 इसी वेबसाइट पे होने वाला है। सो इस हम यही देखेंगे ये वेबसाइट है क्या, और इस वेबसाइट पर सारे लास्ट 4 ईयर्स के भी कट ऑफ मेंशन है, तो कट ऑफ को कैसे देखना है। फॉर ऑल इंडिया कट ऑफ भी मेंशन है, कैप राउंड कट ऑफ भी मेंशन है। सो हम सब चीज़ देखने वाले इस वीडियो में, और एक नई अपडेट भी आ रही है कि आप सबका रिजल्ट कौन से टाइम को रिलीज होने वाला है। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो। सो गाइज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। अभी एमएचटी सीईटी 2023 की एक ऑफिशियल नई वेबसाइट रिलीज हो चुकी है। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप सबको क्या करना है, उस वेबसाइट पे जाना है और चेकआउट करना है, क्योंकि ये नई वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आपको एकदम क्लियरली सारे कैप राउंड का कट ऑफ मेंशन है। जैसे आप वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का ऑफिशियल कट ऑफ एमएचटी सीईटी की ओर से उन्होंने अपलोड कर दिया है। उसमें भी आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट दिखेगा, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट वालों का दिखेगा, डिप्लोमा वालों का भी दिखेगा। सो अगर आप इन तीनों में आपको अगर कट ऑफ चेक करना है, तो यहां से आप कट ऑफ चेक कर सकते हो कि आपका जो डिजायर्ड कॉलेज है उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। सो ये एक अपडेट थी सबसे पहली। सेकंड अपडेट, ये नई वेबसाइट है। अभी तक इस वेबसाइट में अब तक कुछ आया नहीं है, बट बहुत जल्द आने वाला है। सो जैसे ही रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, तो इस वेबसाइट में आपको सब कुछ दिखने लगेगा। सो यही आपकी अभी से ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगी, जिसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। इस पर आप सब नोटिफिकेशन आएगा, स्टार्टिंग सून करके दिखा रहा है। अभी जैसे ही आपका रिजल्ट रिलीज होगा, अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर द कैप राउंड। सो वो भी आपको यहीं पे दिखेगा, इसी वेबसाइट पे दिखेगा। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, पहले इस वेबसाइट पे जाके देखो और कट ऑफ डाउनलोड करो कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या है। और एकदम अच्छे से कट ऑफ मेंशन है, सीईटी सेल ने एकदम अच्छे से कट ऑफ मेंशन करके रखा है। सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है। सो अभी से एनालाइज करना शुरू कर दो कि आपको आपको कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन रही है, उस परसेंटाइल पे आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और उसकी एक लिस्ट बनाओ। और गाइज अभी से स्टार्ट कर दो। और गाइज और एक नोटिस आई है कल ही, आप सबके लिए रिजल्ट के ऊपर भी एक नोटिस आई, जो मैंने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी कल रात को। सो गाइज वो नोटिस, सो जस्ट वेट। हाँ सो गाइज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिस है सीईटी सेल की ओर से कि एमएचटी सीईटी पीसीएम एंड पीसीबी सेक्शन का जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होने वाला है सबको मालूम है। 12 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है, 12 तारीख को, बट कितने बजे वो भी उन्होंने बता दिया कि वो 11 बजे रिजल्ट रिलीज करेंगे। अभी 11 बजे क्या होगा, वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक आ जाएगी, वेबसाइट थोड़ा सा लैग करने लगेगा। सो आप एक्सपेक्ट करो आपको 1-2 बजे तक आपको अपना रिजल्ट क्लियरली दिखने लगेगा। सो 1-2 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और टेंशन मत लेना, जैसे ही रिजल्ट आएगा मंडे को मैं आपके साथ लाइव रहूँगा, पूरा हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। आप सब लोग मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर शेयर करना, डेट ऑफ बर्थ शेयर करना, हम आप सबका लाइव रिजल्ट देखेंगे। सो मंडे को प्लीज़ ज्वाइन करना हमारी लाइव स्ट्रीम, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेगी। 12 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट डे आप सबके लिए, क्योंकि आपको अपना रिजल्ट मालूम पड़ेगा, और वही जज करेगा कि आपके आने वाले 4 साल में आप कौन से कॉलेज में पढ़ने वाले हो, आपकी कैसी लाइफ रहेगी, कौन से कॉलेज में जाओगे, कौन सी सिटी में जाओगे, वो सब डिपेंड करेगा उस दिन के रिजल्ट के ऊपर। सो प्लीज़ उस दिन हम लाइव स्ट्रीम लेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर आना उस लाइव स्ट्रीम में और अपना रिजल्ट शेयर करना हमारे साथ। चलो गाइस चलो मिलते हैं, यही अपडेट थी मेजर अपडेट। बाकी वेबसाइट ज़रूर चेक करो, क्योंकि कट ऑफ मेंशन आपको कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा कि कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है। सो आज की वीडियो का यही अपडेट देना चाहता था मैं। चलो गाइस चलो बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। लाइव स्ट्रीम में जरूर आना है सबको।